हेलो, मेरा नाम लवदीप खोलिया है और मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आपकी हियरिंग की टेस्ट करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है हियरिंग में तो उसका समाधान आपको बताते हैं। मैंने इस फील्ड में मास्टर्स किया हुआ है और मैं इस फील्ड में मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा क्लिनिक जो है ये विकासपुरी में है, यूनिकेयर स्पीच एंड क्लिनिक नाम से, नई दिल्ली में। आज मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपको हियरिंग लॉस के बारे में बताना चाहता हूँ कि हियरिंग लॉस क्या होता है, उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उसका समाधान क्या होता है। ठीक है, पहली बात है हियरिंग लॉस क्या होता है। हियरिंग लॉस होता है कि आपके कान में कहीं पर भी कोई समस्या होने के कारण अगर आपको सुनने में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हम हियरिंग लॉस कहते हैं। अब ये हियरिंग लॉस बहुत तरह से हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कारण हो सकता है कि आप ज़्यादा शोर में रहते हों उस वजह से हो सकता है, किसी को ये जन्मजात हियरिंग लॉस होता है, किसी को उम्र के जब पड़ाव पे जाके एक पड़ाव में जाके हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं और उनका समाधान भी अलग अलग होता है। ठीक है, सो जो हियरिंग लॉस होता है वो आपका जो ईयर होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है बाहरी हिस्सा, एक होता है मध्य हिस्सा और एक होता है अंदरूनी हिस्सा, जिसे हम इंग्लिश में आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर कहते हैं। आउटर और मिडल ईयर में जो समस्याएँ होती हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और जो इनर ईयर में समस्या होती है उसे हम कहते हैं सेंसोरियल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का जनरली जो समाधान होता है वो किसी ENT डॉक्टर द्वारा आपका इलाज के द्वारा होता है, जिसमें इलाज आपका दवाइयों से भी हो सकता है और सर्जरी के द्वारा भी हो सकता है। और अगर यदि आपको सेंसोरियल हियरिंग लॉस है तो उसका जो इलाज है वो सिर्फ एक ही इलाज होता है, जिसमें आपको हियरिंग एड्स पहननी पड़ती है। अगर हियरिंग एड भी आपको फ़ायदा नहीं देती है तो आपको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हियरिंग लॉस का पता कैसे चले? हियरिंग लॉस का पता करने के लिए सबसे आसान है कि आप अपना हियरिंग टेस्ट कराएं। हियरिंग टेस्ट में जो टेस्ट अभी इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्योरटोन ऑडियोमेट्री। प्योरटोन ऑडियोमेट्री में आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई जाएगी और आपको ये बताना होता है कि आपको कम से कम कितनी आवाज़ आ रही है। उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि आपकी जो सेंसिटिविटी है हियरिंग की वो नॉर्मल लिमिट्स में है कि नहीं है। अगर वो नॉर्मल लिमिट्स के बाहर है तो उसका क्या कारण है, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है और उसके अनुसार आपको क्या उसका उपाय करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि मुझे कब, अगर मेरा सेंसोरियल हियरिंग लॉस है तो मुझे कब से हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हमारा मानना ये है कि किसी भी तरह का हियरिंग लॉस होता है उसका असर आपके सुनने में, समझने पे और आपकी याददाश्त पे पड़ता है। तो किसी भी तरह के हियरिंग लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका मामूली सा भी हियरिंग लॉस है तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए और उसके इलाज से आपको फ़ायदा होगा। और ये भी देखा गया है कि जो हियरिंग लॉस होता है उसकी वजह से लोगों में अब डिमेंशिया बहुत हो रहा है। डिमेंशिया मतलब होता है याददाश्त कमज़ोर होना, तो याददाश्त बहुत कमज़ोर हो रही है बिकॉज ऑफ द हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस का आपको जितनी जल्दी उपचार करेंगे उतना जल्दी आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आपको अपने हियरिंग लॉस का इलाज कराना है, अपने हियरिंग लॉस की आपको कोई समस्या लगती है तो आप हमारे क्लिनिक में, विकासपुरी में जो है यूनिकेयर स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, वहाँ पर आपके मुझसे मिल सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, आपको प्रॉपर परामर्श और प्रॉपर सहायता दी जाएगी। थैंक यू।